आगरा में दो फल बेचने वाले व्यापारी राधेलाल और श्यामलाल आते हैं। वो दोनों आगरा कस्बे के बाजार में जाते हैं और वहां जाकर फलों की कीमत पता करते हैं। आम कितने रुपए किलो है? 100 रुपए किलो है भाई साहब। और पपीता कैसे दिए? पपीता 50 रुपए किलो है भाई साहब। क्या आपके पास अंगूर है? अंगूर नहीं है, वो तो आपको पूरी बाजार में कहीं नहीं मिलेगा। हमने पूरा बाजार ढूंढा पर अंगूर कहीं नहीं मिला। वैसे अब तो अंगूर का सीजन भी शुरू हो गया है। आपको आगरा गांव में सभी फल मिलेंगे पर अंगूर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। पर ऐसा क्यों है? अंगूर कोई महंगा फल तो है नहीं। आगरा गांव में कोई अंगूर बेचता ही नहीं है, ना ही खरीदता है। राधेलाल श्यामलाल की तरफ देखता है और उसे वहां से चलने के लिए कहता है। राधेलाल और श्यामलाल कुछ दूर जाते हैं। देखो भाई, यही अच्छा मौका है। इस गांव में कोई भी अंगूर नहीं बेचता है। अगर हम लोग अंगूर बेचेंगे बहुत अच्छा मुनाफा होगा हमें। सही कहा भाई तुमने, बाकी सभी फल हर दुकान में मिल रहे हैं। एक अंगूर ही ऐसा फल है जो ढूंढने से भी नहीं मिल रहा है। अगर हम अंगूर की खेती करेंगे तो हम कम समय में बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो नेक काम में देरी कैसी, चलो शुरू करते हैं। राधेलाल और श्यामलाल उस कस्बे के जमींदार के यहाँ जाते हैं। देखिए जमींदार साहब, हम फल बेचने वाले हैं और अभी अभी आपके गांव में आए हैं। हमें एक बगीचे की जरूरत है। वो सब तो ठीक है, पर आप उस बगीचे में कौन सा फल उगाएंगे ये तो बताइए। वो सब हम आपको नहीं बता सकते हैं। बस ये समझ लीजिए कि एक ऐसा फल जो यहाँ के बाजारों में मिल ही नहीं रहा है, हम उस फल को उगाएंगे और उसे बेचेंगे। मगर उसका कुछ नाम तो होगा, बिना नाम जाने मैं आपको बाग कैसे दे सकता हूँ। फल का नाम जानने से बगीचा देने का क्या मतलब है? आप बस हमें किराए पर एक बगीचा दे दीजिए। पर अगर वो तुम्हारा फल बिका नहीं और तुमने मुझे हर महीने बगीचे का किराया नहीं दिया तो? आप उसकी चिंता मत कीजिए, अगर फल नहीं बिकेगा तो भी हम अपनी जेब से आपको बगीचे का किराया दे देंगे। जैसा आप लोग मुनासिब समझे। आइए मैं आपको बगीचा दिखाता हूँ। जमींदार राधेलाल और श्यामलाल को एक बगीचा दिखाता है और दोनों को वो बगीचा पसंद आता है और उस बगीचे में खुदाई करना शुरू कर देते हैं। श्यामलाल अंगूर के बेहद सारे बीज लेकर आता है और दोनों भाई मिलकर पूरे बगीचे में अंगूर के बीज लगा देते हैं। लो भाई, पौधे लगाने का काम तो खत्म हो गया। अब इन्हें खाद और पानी देना होगा, तभी जाकर जल्दी से फल खाने को मिलेगा। देखते ही देखते अंगूर की लताएं बड़ी होने लगती हैं और उन पे बेहद सारे अंगूर लग जाते हैं। ये देखकर राधेलाल और श्यामलाल बेहद खुश हो जाते हैं। देखो भाई, हमारी मेहनत रंग लाई है। हाँ हाँ, अब हम जल्द ही इन अंगूरों को बाजार में बेचेंगे और बाजार में अंगूर की एक बड़ी दुकान खोलेंगे। राधेलाल और श्यामलाल बगीचे से घर की ओर जाते हैं, तभी उन्हें रास्ते में जमींदार दिखाई देता है। बताइए जमींदार साहब, क्या बात है? और क्या बात होगी, 6 महीने हो गए और तुम लोगों ने मुझे बगीचे का 1 महीने का किराया भी नहीं दिया। मुझे मेरे बगीचे का किराया चाहिए। अरे जमींदार साहब, आप परेशान मत होइए। आपका बगीचा हमारे लिए बहुत लाभदारी साबित हुआ है। हमने जो फल उगाए थे वो अच्छी तादाद में हुए हैं और अब हम जल्द ही उन्हें बेचकर आपके 6 महीने का किराया एक साथ दे देंगे। बस 1 महीना और इंतजार कीजिए, आपको आपका किराया मिल जाएगा। ठीक है, मैं 1 महीना और इंतजार कर लेता हूँ, पर इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा। ऐसी नौबत ही नहीं आएगी, 1 महीने बाद हम लोग खुद ही लेकर पैसा आपके पास आ जाएंगे। इतना कहकर राधेलाल और श्यामलाल वहाँ से चले जाते हैं। राधेलाल और श्यामलाल अपने बगीचे में जाकर अपने उगाए हुए अंगूरों को तोड़ने लगते हैं। दोनों भाई अपने बगीचे के अंगूरों को तोड़कर बाजार में लेकर जाते हैं और वहाँ बाजार में बाकी विक्रेताओं के बीच में जाकर अंगूर का ठेला लगाकर खड़े हो जाते हैं। ले लो, ताजे ताजे अंगूर ले लो। भाईजान, अंगूर कैसे दिए? 100 रुपए किलो। 1 किलो दे दीजिए। ग्राहक अंगूर लेकर अपने घर चली जाती है। राधेलाल और श्यामलाल दूसरे ग्राहकों को अंगूर बेच रहे थे कि तभी वहाँ पर उनकी पहली वाली ग्राहक चिल्लाते हुए आती है।
अरे रे, ये तो ठग लोग हैं। इन्होंने जो मुझे अंगूर बेचे हैं, ये अंगूर कम लोहे ज्यादा लग रहे हैं। ग्राहक की ये बात सुनकर राधेलाल और श्यामलाल दोनों चौंक जाते हैं। लोहे के अंगूर, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? यकीन नहीं आता तो खुद ही खाकर देख लो ना। राधेलाल अंगूर खाने के लिए मुंह में डालता है। वो जैसे ही अंगूर को अपने दांतों से काटने लगता है तो उसके दांतों में दर्द होने लगता है। भाई, ये तो सच में लोहे के अंगूर है। राधेलाल के मुंह से ये बात सुनकर सारे ग्राहक वहाँ से चले जाते हैं। अब क्या करोगे? देखते हैं क्या होगा आगे। राधे और श्यामलाल दोनों अंगूर का ठेला लेकर घर की तरफ जाने लगते हैं। तभी उन्हें रास्ते में जमींदार मिलता है। अच्छा, तो यहाँ हो तुम दोनों। एक महीने का वक्त मांगा था तुमने और एक महीना हो गया है। मुझे मेरे पैसे चाहिए। देखिए जमींदार साहब, हमारा एक भी फल नहीं बिका, हम आपको पैसे कहाँ से देंगे? मुझे उससे क्या मतलब, मुझे मेरे पैसे चाहिए बस। कहीं से भी दो। तुमने कहा था ना कि अगर कुछ नहीं होगा तो हम अपनी जेब से पैसा देंगे। हाँ, कहा तो था, पर हमारे सारे पैसे फलों को उगाने में खर्चा हो चुके हैं। बस कुछ दिनों की मोहलत और दे दीजिए, हम आपके सारे पैसे सूद समेत आपको वापस कर देंगे। ठीक है, तुम्हारे पास 10 दिन का समय है। अगर पैसे नहीं दिए तो मैं अपने बगीचे से तुम्हारे फलों के पौधों को उखाड़ के फेंक दूंगा। राधेलाल और श्यामलाल दोनों बेहद परेशान हो जाते हैं। वो दोनों कस्बे के एक विद्वान आदमी के पास जाते हैं। जनाब, हमारे उगाए हुए सारे अंगूर लोहे के अंगूर हो गए हैं। समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करें। बेटा, ये सब बूढ़ी लोमड़ी का शराप है। कौन सी लोमड़ी? बहुत साल पहले एक भूखी लोमड़ी खाने की तलाश में इस गांव में आई और उसने यहाँ पर एक बहुत लंबी अंगूर की बेल देखी। वो अंगूर खाने के लिए बेल पर छलांग लगा रही थी, पर वहाँ तक वो नहीं पहुँच पाई। गांव वालों ने उसका बहुत मजाक उड़ाया और लोमड़ी ने इस गांव को बद्दुआ दी कि जिस तरह वो इस गांव के अंगूर नहीं खा पाई, उसी तरह आज के बाद इस गांव में कोई भी अंगूर नहीं खा पाएगा और सारे अंगूर लोहे के हो जाएंगे। इस बद्दुआ को कैसे खत्म करेंगे? अगर तुम लोग पुरानी बेल के अंगूर ले जाकर उस लोमड़ी को खिलाओगे तो ये गांव बद्दुआ से आजाद हो जाएगा। ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। राधेलाल और श्यामलाल उस पुरानी बेल के पास जाते हैं और उससे कुछ अंगूर तोड़कर और उन्हें लेकर जंगल की तरफ जाते हैं। वो देखो, वहाँ पर लोमड़ी दिखाई दे रही है। श्यामलाल उस लोमड़ी की तरफ जाता है और अंगूर का गुच्छा लोमड़ी के सामने फेंक देता है। लोमड़ी अंगूर खा लेती है। उसके अंगूर खाते ही आगरा कस्बे को बद्दुआ से छुटकारा मिल जाता है। राधेलाल और श्यामलाल अपने उगाए हुए सारे अंगूरों को बाजार में बेचते हैं। अंगूर बेचकर राधेलाल और श्यामलाल आगरा कस्बे में एक बड़ी सी दुकान खोल देते हैं। पर्वतपुर कस्बे में दो भाई रहते थे। दोनों ही किसान थे और दोनों ही अपनी बीवी के साथ रहते थे। लेकिन बड़ा भाई सूरज छोटे भाई मनीष से बहुत जलता था। हमेशा वो पूरा खेत और जमीन हड़पने की फिराक में रहता था। सूरज अपनी बीवी कोयल और मनीष अपनी बीवी खुशबू के साथ अपने घरों में रहा करते थे। घर तो एक था लेकिन वहाँ इख्तियार बिल्कुल नहीं था। दोनों खानदान हमेशा एक दूसरे के खिलाफ ही रहते थे। मनीष अपनी बीवी खुशबू के साथ खेत पर जा रहा था, तभी वहाँ सूरज अपनी बीवी के साथ आकर बोला, सुना है हमारी फसल इस गांव में सबसे अच्छी हुई है। हमारे खेतों ने इस बार सोना उगला है। मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है। और दूसरों की फसल को देखकर लगता है कि उनके घर एक दाना भी नहीं आएगा। लगता है जेठ जी के खेतों की फसल इस बार बेहद अच्छी हो गई है, इसलिए इतना बोलबाला कर रहे हैं। सूरज और कोयल की बात सुनकर मनीष और खुशबू दोनों परेशान होकर खेत की ओर जाने लगते हैं। हमारी फसल भी कम नहीं हुई है, हम अगली फसल के लिए अभी से भी मेहनत करना शुरू कर देंगे। इस बार हम महंगे वाले खाद मंगवा लेंगे और मैं भी आपके साथ खेत में हाथ बटाऊंगी।
दोनों वहां से अपने घर चले जाते हैं। अगले ही दिन मंडी में फसल का दाम लगने वाला था। कई किसान वहां पर अपनी फसल के साथ आए थे। सूरज और कोयल भी वहां पर आए थे। तुम्हारी फसल है ही कितनी? इन फसलों को तो मुझे ही बेच सकती हो। इसका भाव तो मैं ही लगा देती हूँ। दीदी, आपका ना नाम ही सिर्फ कोयल है, लेकिन बातें आपकी पूरी कठोर हैं। हमारा जो भी हिसाब होगा वो हम देख लेंगे। इतना सुनते ही कोयल वहाँ से मुंह बनाकर निकल जाती है और खुशबू अपने फसलों का भाव ताव करने लगती है। आइए खुशबू बहन, इस बार का आपका फसल कैसा गया? दिखने में तो बहुत अच्छा दिख रहा है। क्या बताऊं भैया जी, इस बार फसल तो अच्छी हुई है लेकिन कम हुई है। चने की खेती आजकल कहाँ कोई करता है। चने की खेती कम करने की वजह से ही चने आजकल बहुत महंगे बिक रहे हैं। खुशबू अपने चने की फसल लेकर मंडी पर भाव कर ही रही होती है कि कोयल के चावल के फसलों का दाम लग जाता है। चावल के दाम देखकर कोयल और सूरज निराश हो जाते हैं। वहीं मनीष और खुशबू चने के दाम से खुश रहते हैं। मैंने तुमसे कहा था इस बार हम भी चने की खेती कर लेते हैं, लेकिन तुम मानी ही नहीं। अब देखो, हमसे ज्यादा मनीष को चने का दाम मिल गया। अरे, तो कौन सी इतनी बड़ी बात हो गई? हम भी अगली बार चने की फसल करेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। सूरज और कोयल दोनों चने की खेती तैयार करने लगते हैं। दूसरी तरफ मनीष और खुशबू भी चने की खेती की तैयारी में लग जाते हैं। अजी सुनती हो, इस बार हमें अच्छी तैयारी करनी है। इस बार भी हम चने की फसल उगाएंगे। वक्त बीत रहा था। सूरज महंगी महंगी खाद लेकर अपने चने की फसल पर डालता है और उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। हमें हमारे खेत के चारों तरफ कांटे और तार लगाने पड़ेंगे, वरना हमारे खेत में जानवर आ जाएंगे और हमारे फसल को इससे नुकसान हो सकता है। नहीं जी, पहले से ही हमारी फसलों में इस बार बहुत पैसे खर्च हो गए हैं और अब हम और खर्चा नहीं कर सकते। हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। जानवर ही अगर हमारी फसल खा लेंगे तो हमारे लिए क्या बचेगा। आपके भाई मनीष ने तो कांटे और तार नहीं लगाए हैं, तो हम क्यों लगाएं? मनीष भी अपने खेतों की रखवाली बहुत अच्छी तरह से कर रहा था। हर रोज वो अपनी खेत के पास ही खटिया डालकर सोया करता था। इस बार मैं अपने खेतों की ज्यादा रखवाली करूँगा। इस चने की खेती से ही मैं अपने पूरे साल का घर चला लूंगा। हमारी दुआएं जरूर कबूल होंगी जी। हम और मेहनत करेंगे और फसल काट कर मंडी में बेच देंगे। जब सूरज ने मनीष के चने की खेती देखी तो वो हैरान रह गया। मनीष की खेती में चने की फसल बहुत उपजाऊ और सोने जैसी चमक रही थी। सारी चीजें देखकर वो अपनी बीवी कोयल के पास पहुंचा और उसे सारी बातें बताई। मैंने आज मनीष के चने की खेती देखी। हमारे खेत से 10 गुना ज्यादा उसके खेत में फसल नजर आ रही है। ये कैसे हुआ मुझे नहीं पता है, लेकिन ये बात सच है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ना महंगे खाद, ना कोई पहरेदारी, फिर भी इतनी अच्छी फसल कैसे? मुझे और कोई ताने नहीं सुनने उस खुशबू के। आपको कुछ करना होगा जी। रुको, मैं इसका इलाज जानता हूँ। एक तांत्रिक है, वही इसका कोई उपाय बता सकेंगे। अब समझ लो उस मनीष का खात्मा होने वाला है। सूरज और कोयल दोनों तांत्रिक के पास जाते हैं और उनसे इस मसले का कोई हल पूछते हैं। बगड़ बोल बच्चा, मैंने तेरी सारी बातें सुन ली। मैं तुझे एक दवा देता हूँ। इस चीज को जाकर अपने भाई के फसल पर डाल देना। फसल पूरे लोहे का हो जाएगा। तांत्रिक ने सूरज को एक दवा दी जिसे मनीष की फसल में डालने के लिए कहा। जी, हम ऐसा ही करेंगे। और रात होते ही सूरज मनीष के खेतों में जाकर सारी फसलों में वो दवाई डाल देता है। सुबह होते ही जब मनीष की नींद खुलती है तो वो देखकर हैरान रह जाता है। वो वहीं बैठकर रोने लगता है। हे मालिक, ये क्या हो गया? हमारी फसल लोहे की हो गई। मैंने क्या बिगाड़ा है मालिक किसी का? मैं कहां से अब अपना घर चलाऊंगा?
खुशबू, खुशबू कहाँ हो तुम? ये देखो हमारे फसलों को क्या हो गया। मनीष की आवाज सुनकर वहाँ खुशबू और कस्बे के सारे लोग आ जाते हैं, साथ ही सूरज और कोयल भी। लेकिन ये सब कैसे हो गया? कल रात तक तो हमारी फसल बहुत अच्छी थी, मैंने खुद ही देखा था, और अब हम क्या करेंगे? लोहे के चने की खेती देखकर सूरज और कोयल बेहद खुश हो गए और कहने लगे, कोई बात नहीं छोटे भाई, तुम कुछ दिन हमारे घर से चने लेकर बनाना और खाना। अब क्या कर सकते हैं खुशबू बहन, अब रोना बंद कर दो और हमारे घर पर आकर चने खा लेना। मैं रो कहाँ रही हूँ, भले ही हमारे साथ कुछ भी हो जाए लेकिन हम तुम लोगों के घर नहीं आने वाले, तुम लोग चिंता मत करो। दोनों खानदान का झगड़ा देखकर सरपंच हंसते हुए आए और बोले, अरे मनीष बेटा, इसमें रोने की क्या बात, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। लेकिन कैसे, अब हमारी फसल कौन खरीदेगा? तुम ये सोचो, चने की तुम्हें सिर्फ कुछ ही पैसे मिलते, अब तो तुम्हारे फसल में लोहे के चने हैं, और इस समय लोहे के बाजार में बहुत अच्छा व्यापार हो रहा है। तुम बहुत अमीर बन जाओगे अगर तुमने ये बेच दिए तो। जी सच? क्या आप किसी को जानते हैं जो हमारे लोहे के फसल को खरीद ले? मैं जानता हूँ, तुम घबराओ मत बल्कि खुश रहो, जिसको पछताना है वो पछताएगा। सरपंच के कहने पर मनीष ने अपने लोहे की फसल बेच दी और बड़े शान से रहने लगा। दूसरी तरफ कोयल और सूरज के चने मंडी में बहुत कम दाम में बिके, उन्हें उनका सबक मिल गया। मनीष और खुशबू ने बड़े मकान भी बना लिए और वहीं खुशी खुशी रहने लगे।